जहाज? ये जहाज यहाँ क्यों रुक रहा है? इसे तो यहाँ पहले कभी नहीं देखा। इस पर किसी देश का झंडा भी नहीं है। अंदर जाकर पता करना होगा इस खुफिया जहाज का राज। चलो। कोई नजर नहीं आ रहा। कोई नहीं, चलो इधर देखते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, पूरा जहाज खाली है। लेकिन जब कोई है नहीं इस जहाज में, फिर इसे चला कौन रहा है? और ये यहाँ करने क्या आया है? हमें महाराज को अभी इस खुफिया जहाज के बारे में बताना होगा। बोलू बोलू, जरा मेरी नाक के ऊपर से मच्छर उड़ा दो। आपका मच्छर आगे उड़ाओ, साथ हम लोग अभी बिजी हैं। मुझे इनकार। मच्छर उड़ गया उस्ताद। ऐसा क्या कर रहे थे तुम दोनों, जरा दिखाओ। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही सुंदर बनाया है। हमारे चाचा के बेटे के भतीजे का मौसे का चचेरा भाई आसाम से आया था, उसी से सुनकर हमने ये बनाया है। दोस्तों, क्यों ना हम सिर्फ तस्वीर देखने की बजाय सब लोग मिलके आसाम घूम कर आए। फूलो फूलो बंधु रे, ओ बंधु रे। चाचा, आप ये क्या गा रहे हैं? मैं तो एक फूल का गाना गा रहा हूँ, जो बिल्कुल हमारी राजकुमारी तेजी मोला जैसा है। राजकुमारी तेजी मोला? राजकुमारी तेजी मोला अभी भी आसाम के जंगल में रहती है, एक फूल बनके। उसी फूल का गाना गा रहा था मैं। ये फूल तो देखना ही पड़ेगा, कहाँ है ये फूल? किसी को नहीं पता, कहते हैं कि अगर उस फूल को ढूंढ लिया तो राजकुमारी भी मिल जाएगी। आप बस हमें जंगल का रास्ता बता दीजिए, हम ये बात जानते हैं कि हम उस फूल को जरूर ढूंढ निकालेंगे। ध्यान से जाना बच्चों, जंगल बहुत खतरनाक है। अरे वाह, ये अनोखा वन कितना सुंदर है। बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पीते हैं। कालिया, संभाल के, खतरा हो सकता है। देखा भीम, कुछ नहीं हुआ। तुम बहुत डरते हो, मुझे कोई डर नहीं। खतरा है, भागो। मैं इधर हूँ। मोला इसमें अभी भी कैद है। तुम्हारा खेल खत्म हो गया है उग्निजान, अब हमें अपनी
अपनी वो छड़ी दे दो ताकि हम राजकुमारी को आजाद कर सके। अब कौन बचाएगा तुम्हें? महाराज, कल रात बंदरगाह के खजाने से चोरी हुई है। भीम, अब तुम्हें ही इस काले जहाज का रहस्य सुलझाना होगा। ठीक है महाराज। भीम, रात होने वाली है और हमें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। सब्र करो चुटकी, कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। ये जादुई समुद्री लुटेरे हैं जो तस्वीरों में छुपे हुए थे, यही मौका है इन्हें पकड़ने का। भीम, ढोलकपुर का जाबाज, लेकिन हमें नहीं पकड़ पाएगा। हमें फातून टापू की जादुई जलपुरी का वरदान है, हमें सिर्फ तस्वीरों में ही पकड़ा जा सकता है। बार हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। इस जहाज में आना तुम बच्चों की सबसे बड़ी गलती थी। चलो साथियों, आज पूरा ढोलकपुर लूट लेंगे। चुटकी, क्या तुम्हें इन तस्वीरों में कुछ अलग नजर आ रहा है? अगर हमें इन समुद्री लुटेरों को पकड़ना है तो हमें भी इन तस्वीरों के अंदर जाना होगा। मेरे पास इन लुटेरों को पकड़ने का एक तरीका है। सारे बच्चे कहाँ चले गए? वो रहे बच्चे, पकड़ो इन्हें, सबक सिखाओ इन्हें। हमें फातून टापू ले जा रहे थे, अब ढोलकपुर की काल कोठरी में अपनी बची कुची जिंदगी काटना। एक बार फिर तुमने ढोलकपुर को बहुत बड़ी मुसीबत से निकाला है भीम। मुसीबत से नहीं महाराज, तस्वीर से।